दोस्तों निकोलस पुरन ने पोस्ट मैच अवार्ड सेरेमनी में रिंकू सिंह के लिए किया कुछ ऐसा जो जीत लिया करोड़ों फैंस का दिल। जी हां दोस्तों, टाटा आईपीएल 2023 का 68वां मुकाबला एलएसजी की टीम ने केकेआर की टीम को एक रन से हरा दिया। निकोलस पुरन के 58 रन के पारी के बदौलत एलएसजी की टीम ने 177 रन का टारगेट दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 7 विकेट पर 176 रन नहीं बना पाई और एक रन से मुकाबला हार गए। दोस्तों रिंकू सिंह एक बार फिर अविश्वसनीय पारी खेली, कोलकाता नाइट राइडर्स टीम को मैच जिता चुके थे। आखिरी 3 गेंदों में 18 रन जीत के लिए चाहिए था। एक वाइट 6-4-6 के साथ 17 रन जुटा चुके थे, केवल एक रन से केकेआर की टीम मुकाबला हार गए। दोस्तों निकोलस पुरन मैन ऑफ द मैच अवार्ड पाने के बाद रिंकू सिंह को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देकर हर किसी का दिल जीत लिया।